नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रुचिज फूड जोन। स्वागत करती हूँ मेरी किचन में, जहाँ स्वाद दिल तक जाता है। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है बथुए से बनने वाली इतनी टेस्टी रेसिपी, जिसे खाकर आप पालक और पनीर दोनों को भूल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी बेहद स्वादिष्ट बथुए और पनीर की सब्जी। तो इस टेस्टी करी को बनाने के लिए सबसे पहले बथुए को ब्लांच करना होगा। इसके लिए बथुए को अच्छे से धो लें। गर्म पानी में एक बॉल आने पर गैस को सिम कर दें और धुला हुआ बथुआ इसमें डाल दें। अब गैस को एक बॉयल आने तक तेज रखें और अच्छे से एक बॉयल आ जाने के बाद गैस को बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारा बथुए में एक बॉयल आ चुका है, हमने गैस बंद कर दी है। इसके बाद इसको स्ट्रेन आउट कर लें। आइए अब करी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें एक पेस्ट बनाना होगा। इसके लिए हमें स्ट्रेन किया हुआ बथुआ, जिसमें से पानी अच्छे से निकाल दिया गया है, डालेंगे। इसके साथ ही दो मध्यम आकार की टमाटर डालेंगे, दो हरी मिर्ची डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंच अदरक के टुकड़े, छोटे छोटे कटे हुए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा लहसुन, जो विंटर स्पेशल है, इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर ब्लेंड कर लें और पेस्ट बना लें। अब करी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में सरसों का तेल डालेंगे 1 चम्मच। 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर अच्छे से गर्म करें। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम पनीर के क्यूब्स प्लेस करेंगे, जो मैंने छोटे छोटे आकार में काट लिया है। इन्हें फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। पनीर को पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लें और दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। जब पनीर के पीसेस दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें डिश आउट कर लें। अब सेम पैन में गरम किए गए तेल में ही हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, क्योंकि हींग का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। हींग डालने के बाद आप इसमें बनाई गई प्यूरी या पेस्ट ऐड करेंगे और इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। आंच कम ही रखें। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सभी मसालों को आपस में मिक्स करेंगे और इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे कवर कर दें और पकने दें। लगभग 7 से 8 मिनट बाद आप इसे खोलकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल ऊपर आसानी से दिख रहा है और सब्जी के स्वाद और सुगंध की तो मैं क्या कहूँ। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्राई किया हुआ पनीर। इस पनीर को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा कवर करेंगे, ताकि पनीर में सब्जी का स्वाद आ जाए। 5 मिनट के बाद दोबारा खोलकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, पनीर भी सॉफ्ट हो चुका है। एंड अप करेंगे हमें इसे 2 चुटकी गरम मसाले के साथ। मसाले को अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और लीजिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। सब्जी को गरम गरम ही सर्व करें, बट हाँ ध्यान रखें, इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया है। जब सब्जी आप सर्व करें, तब गरम गरम सब्जी के ऊपर 1 स्लाइस चीज़ कद्दूकस करके ज़रूर ऐड करें, ये इसके स्वाद में 4 चांद लगाते हैं। तो लीजिए, हमारी सब्जी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत डिलीशियस, बहुत न्यूट्रिशियस हमारी बथुए और पनीर की सब्जी। इतनी टेस्टी है कि आप पालक पनीर खाना तो भूल ही जाएंगे। एक बार ये सब्जी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, गारंटी है आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें रुचिज फूड जोन, और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें। जय श्री कृष्णा।